जिनका नाम अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है उनके वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा बहुत ही संक्षिप्त में करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। एन नाम वाले ये कोई भी कार्य करें अपने हर कदम के बारे में ध्यान से सोचते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले उसके फायदे और नुकसान को भी जानने का प्रयास करते हैं। अपने प्रियजनों के लिए अविश्वसनीय रूप से सुरक्षात्मक भी होते हैं और वफादार और अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति भी होते हैं जो कभी भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे अच्छा समय हो या फिर बुरा समय हो। चालाकी और धोखा ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और लोगों के प्रति वफादार होने में विश्वास रखते हैं और उनसे भी यही उम्मीद करते हैं। हमेशा ईमानदार और सीधे होते हैं और उन लोगों से ये नफरत करते हैं जो उनसे झूठ बोलते हैं या फिर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये भ्रम के शिकार भी हो जाते हैं। प्रेम के भूखे होते हैं कहना चाहिए। इनकी शक्ति प्रेम में होती है लेकिन प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं और प्रेम में ये जातक कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं क्योंकि प्रेम भूलना इनके लिए मुश्किल होता है और अपने आकर्षण से आकर्षित करने वाले ये लोग तड़क भड़क और सच्चे प्रेम के बीच का फर्क नहीं कर पाते हैं। इस कारण कई बार इन्हें धोखा भी मिलता है। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है फिर भी इनके जीवन साथी को या प्रेमी प्रेमिका को इनके जिद्दी स्वभाव के कारण थोड़े समझौते तो करने पढ़ते ही हैं। नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंध के मामले में वर्ष 2025 में रोमांस ज्यादा देखने को मिलेगा। आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा, संबंध मजबूत होगा, एक दूसरे को समझेंगे भी। लेकिन आप ध्यान रखें 18 मई तक के समय में आप दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। 18 मई के बाद का समय आपके प्रेम संबंध में रोमांस में वृद्धि करेगा लेकिन आप पुरानी किसी बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की शंका ज्यादा ना करें नहीं तो बात बड़ी हो सकती है और आपका साथी इस समय पर आपकी परीक्षा भी ले सकता है कि आप प्रेम संबंध में ईमानदार हैं कि नहीं। अगर आप प्रेम संबंध में ईमानदार नहीं हैं या आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो इस समय पर आपके साथी को पता चल सकते हैं और आपका रिश्ता खराब हो सकता है। आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं, आप अपने साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं। 18 मई तक का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और इस कार्य में आपको सफलता भी मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं इस वर्ष आपके जीवन में साथी की तलाश पूरी हो सकती है। शादीशुदा जीवन के लिए वर्ष 2025 में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और 14 मई तक का समय आपके शादीशुदा जीवन के लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अगर आप अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं तो इस वर्ष आपके जीवन में कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है जहां पर आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। मित्रों ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।